पानी लगा। अच्छा आपको कैसा लग रहा है आपकी 23 साल पहले जैसा सपना लग रहा है? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, वाकई सपना लग रहा है। इनकी इच्छा थी 23 साल से और आज इनकी पूरी हुई है और ये अच्छी बात है। देखिए अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे केदारनाथ बाबा? क्या कहना चाहेंगे, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। केदारनाथ बाबा के दर्शन आपको यही मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा, हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2023 की ये सबसे अच्छी कांवड़ यात्रा है जो साक्षात। देखिए इसको डिजाइन कैसे किया है, वाकई में इसमें 2 साल जरूर लग गए होंगे। 6 महीने पहले इनकी बनकर तैयार हुई है, देखिए कितनी बारीकी से। नमस्कार, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। साक्षात केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा 2023, ये सावन का महीना है और एक कांवड़ यात्रा आप देख सकते हैं कि साक्षात केदारनाथ बाबा के दर्शन यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ केदारनाथ बाबा को, क्योंकि मैं पिछले जब कपाट खुले थे 25 अप्रैल को तो मैं खुद गया था, केदारनाथ बाबा ने हमें बुलाया था और बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा केदारनाथ बाबा किस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई किया होगा यहाँ पे। और ये पूरी कांवड़ यात्रा है और ये मैं तो ये समझता हूँ कि 2023 की जो कांवड़ यात्रा उसमें सबसे जो विशाल कांवड़ यात्रा है, बहुत सारा लाखों खर्चा हुआ होगा और ये कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छी कांवड़ यात्रा यही है 2023 की। एक बार मैं बात करवाना चाह रहा हूँ जो यहाँ का जो कांवड़ यात्रा जो ये लेके आए संचालन कर रहे हैं, तो एक बार बात जरूर करवाना चाहूंगा, बात करवाना चाह रहा हूँ। तो सर क्या नाम है, बोले जी आपका और कहाँ से आए? नाम है जी वासुदेव चौहान जी। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए। अच्छा, एक चीज सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ बाबा का जो इतनी विशाल कांवड़ यात्रा आप लेके आ रहे हैं तो कैसे मन में आया? ये मेरे छोटे भाई का सपना था 23 साल से। अच्छा, हाँ जी, जो आज साकार किया भोलेनाथ ने। अच्छा, भोलेनाथ ने 23 साल पहले इनके छोटे भाई का जो सपना था वो साकार हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ सबका जो सपना है सबका साकार करें। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, इसकी तैयारियां कब से की होंगी आपने? 6 महीने से तैयारी चल रही थी हमारी। 6 महीने से तैयारी चल रही थी। 2 साल पहले ऑर्डर दिया था हमने इसका ऑर्डर, यानी कि 2 साल पहले आपने ऑर्डर दिया था तब जाके 6 महीने पहले बन के तैयार हुई थी। जी जी। अच्छा, और एक चीज और बताइए कि इसको लेके जो हमारी जो कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम, तो देखिए आप सबके हैं यही तमन्ना थी जो बाबा के पास नहीं जा सकते हैं दर्शन करने, और हर बंदे की अभिलाषा होती है भाई मैंने केदार बाबा के जाना है और वो नहीं जा सकते, तो ये हमने छोटी सी प्रस्तुति दी है झांकी के रूप में कि भाई देखो आप लोग इस झांकी के थ्रू आप दर्शन कर सकते हैं गोला तोड़िए। देखिए वाकई में झांकी नहीं है, ये बहुत बड़ा सपना होता है लोगों का केदारनाथ बाबा के यहाँ दर्शन करने, और बाबा हर किसी को दर्शन वहाँ बुलाते भी नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा आपदा भी आई, प्रलय भी आई, बहुत सारे हुए थे। पैसे के कारण नहीं जा सकता जी, कोई शरीर के कारण नहीं जा सकता जी, हर बंदे की कोई ना कोई समस्या होती है जी जी जी, तो इसीलिए हमने बाबा को इस रूप में उतार दिया कि भाई पैसे होना हो चल सके ना सके, लेकिन अगर जिसको नजर आएंगे बाबा उसको दर्शन हो जाएंगे मेरे भोलेनाथ के। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि 2 साल पहले इन्होंने ऑर्डर दिया था, 6 महीने पहले ये बनकर तैयार हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पूछना नीचे लेकिन पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें खर्चा कितना आया होगा? वो बोले वो ही नहीं बता सकते हम लोग, बाकी जो बाबा की मर्जी, यानी कि कह सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं भी नहीं बता सकता। देखिए ये अपनी थोड़ी सी वैसी बात है, खर्चा करने वाले सब भोले की कृपा है और भोले की ही कृपा से सब हो रहा है, यही कह सकते हैं, मैं भी यही कह सकता हूँ। और आप एक जरूर देख सकते हैं कि अच्छा इसको कितने लोग इसको ले जाते हैं, किसके सारे मदद करते हैं भाई इसमें, यानी कि 12-13 आदमी हैं जो रथ को ले जाते हैं। 4-5 लड़के हमेशा रथ के साथ ही रहते हैं। अच्छा, कब आप हरिद्वार पहुंचे और कब पहुंचे थे? हरिद्वार तो हम 1 तारीख को पहुंच गए थे क्योंकि ये असेंबल करवानी थी हमने। जी जी जी, उसमें टाइम लगता है असेंबल करवाने में। और कब पहुंच जाएंगे दिल्ली? 14 तारीख को बोले, बाकी इच्छा तो 14 तारीख को पहुंचने की है। अच्छा, बाकी देखो बाबा की मर्जी क्या है। कह सकते हैं कि लगभग 20-30 किलोमीटर की यात्रा होती होगी? हाँ जी, 15-20 किलोमीटर तो करनी है तभी पहुंचेंगे। क्योंकि लगभग 200-250 किलोमीटर का रास्ता है और इन्होंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तो कर लिया होगा। अरे नहीं बोले अभी कहा किया है, कल शाम से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में, रुड़की से थोड़ा आगे हैं हम लोग। बोले
देख रहे हो ना, बोले चीज हो रहा है, इनको भी दिखाओ। हम दोनों भाई मोटे, इनकी इच्छा थी 23 साल से और आज इनकी पूरी हुई है और ये अच्छी बात है। देखिए अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे केदारनाथ बाबा? क्या कहना चाहेंगे, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे जी, और जो सच्चे दिल से आता है जरूर मिलता है कुछ ना कुछ जी। अच्छा आपको कैसा लग रहा है, आपकी 23 साल पहले जैसा सपना लग रहा है? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, वाकई सपना लग रहा है। नहीं सपना तो ये अच्छी बात है, वो लगना भी चाहिए। देखिए बाकी में साक्षात केदारनाथ बाबा के दर्शन हो रहे हैं और सपना ही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, सपने लग रहा है बिल्कुल। इतना बड़ा काम 2 साल पहले ऑर्डर किया है, 6 महीने पहले बन के तैयार हुई है केदारनाथ बाबा की जो है। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना है, और सारा कुछ क्या है, बस सेवा में ही सबको दे बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक चीज और, एक विशेष रूप से दिखाना चाह रहा हूँ कि साक्षात दर्शन करिए, आप भी करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि देखिए केदारनाथ बाबा के दर्शन आपको यही मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा, हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2023 की ये सबसे अच्छी कांवड़ यात्रा है जो साक्षात, देखिए इसको डिजाइन कैसे किया है, वाकई में इसमें 2 साल जरूर लग गए होंगे, 6 महीने पहले इनकी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी बारीकी से सारी चीजें, बिल्कुल मैं देख के आया था केदारनाथ बाबा को, 25 अप्रैल को मैं खुद गया था और सेम वही है, कुछ भी अंतर नहीं है और हर तरीके से बिल्कुल सजाया गया है। और वाकई में जिसने ये बनाया है उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हर कोई के बस की नहीं है। कावड़ का मतलब ये है कि बहुत सारी कावड़ मैंने देखी है, लेकिन ये जो कावड़ बनाई है साक्षात केदारनाथ बाबा का, यही साक्षात दर्शन दे दिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और अभी देखिए पूजा पाठ के बाद में फिर ये कावड़ चलेगी और देखिए सभी लोग दर्शन करते जाइए, इस वीडियो को आप शेयर भी करते जाइए, क्योंकि ये दर्शन हर किसी को नहीं मिलते हैं। केदारनाथ बाबा हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। अभी ये जो यात्रा है वो रुड़की से थोड़ा सा आगे पहुंची है और ये दिल्ली पहुंचेगी और इसको ये 15 तारीख को पहुंचेगी। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद और इनको बारंबार धन्यवाद जिन्होंने इस जो है भगवान केदारनाथ बाबा के साक्षात दर्शन करवाए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।